नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट संख्या सेकंड में मांग की लोच के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने मांग की विभिन्न श्रेणियाँ और मांग की लोच को मापने के विभिन्न मेथड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो आज का टॉपिक है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। जैसा कि मैंने आपको मांग के नियम में मांग को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में चर्चा की, उन्हीं से संबंधित ही ये बिंदु हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना सा अंतर है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण रूप से मांग की लोच दो फैक्टरों से प्रभावित होती है, मूल्य और क्वांटिटी में परिवर्तन से, कि मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ और क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ। तो पहला पॉइंट तो आ गया किसी वस्तु विशेष की प्रकृति, वस्तु विशेष की प्रकृति मांग के लोच को, नेचर कॉमोडिटी ऑफ नेचर, किसी वस्तु विशेष की प्रकृति मांग की लोच को प्रभावित करती है कि किसी वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है। तो ये मांग की लोच की प्रभावित करने वाले तत्वों में ये सम्मिलित है। दूसरा है वस्तु विशेष की स्थानापनों की संख्या, वस्तु विशेष की स्थानापनों की संख्या, सप्लीमेंट्री गुड्स, स्थानापन प्रतिस्थापन वस्तुएं भी मांग की लोच को प्रभावित करती हैं कि एक स्थान से जब दूसरी वस्तु का हम जब प्रयोग करते हैं तो ये मांग की मूल्य लोच और क्वांटिटी में परिवर्तन को अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये भी एक मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में सम्मिलित है। अगला है वस्तु के विविध प्रयोग, वस्तु का विविध प्रयोग। एक ही वस्तु हमें काम में लेनी होती है, अगर विभिन्न वस्तुओं का हम अगर प्रयोग करते हैं तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों में मांग की लोच की एक अहम भूमिका भी रहती है। तो मांग की लोच इस प्रकार से वस्तुओं के विभिन्न विविध प्रयोगों में सम्मिलित है। अगला है उपभोक्ता का आय स्तर, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों में उपभोक्ता का आय स्तर भी प्रभावित करता है कि किस प्रकार से मांग की लोच को प्रभावित करें। तो उपभोक्ता का इनकम फैक्टर इस प्रकार से प्रभावित करता है, किसी उपभोक्ता की इनकम अगर अधिक है तो वो अधिक क्वांटिटी क्रय करेगा, चाहे वो वस्तु सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। अगर उपभोक्ता की आय निम्न है तो वो सोच समझ के किसी वस्तु विशेष को क्रय करेगा। अगर किसी वस्तु का बाज़ार में उस वस्तु का मूल्य कम है तो उसकी अधिक क्वांटिटी क्रय करेगा, अगर किसी वस्तु का मूल्य अधिक है तो उसकी कम क्वांटिटी क्रय करेगा। ये उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता की इनकम लेवल कौन कौन सा है या इनकम स्टैंडर्ड लेवल कैसा है, उसके अनुसार ही उपभोक्ता वातावरण समाज में रहना पसंद करता है कि अपनी इनकम के आधार पे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को प्रभावित नहीं होने देता है। तो ये भी एक उपभोक्ता की प्रभावित करने वाले घटकों में महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है। तो अगला बिंदु है उपभोक्ता वस्तु की आय पर किया जाने वाला
किया जाने वाला अनुपात वस्तु की आय का उपभोक्ता वस्तु की आय पर किया जाने वाला वह अनुपात किस प्रकार से करता है, तो ये भी सम्मिलित है कि वस्तु की आय पर किस प्रकार से विन्यासी तरीके से भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो हमें वस्तु की मूल्य में अपेक्षित परिवर्तन को विभिन्न तत्वों के आधार पर हम क्रियान्वित कर सकते हैं। तो वस्तु की आय पर किया जाने वाला वह कौन सा है, कौन सा अनुपात है, उसको हम देखते हैं। अगले है मांग की तीव्रता, छठा बिंदु है। मांग की तीव्रता भी मांग की लोच को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका रही है कि मांग की तीव्रता किस प्रकार से अहम तरीके से क्रियान्वित की गई है। तो हमें मांग की तीव्रता को प्रभावित करने वाले घटकों में सराहनीय एवं सहायक कार्यों में एक अहम भूमिका के रूप में करती है कि वस्तु की मांग बाजार में उसकी तीव्रता कितनी है, किस प्रकार से उस वस्तु का कंजप्शन किया गया है, वास्तव में वस्तु की तीव्रता वर्तमान परिवेश को देखते हुए सही एवं सुगम है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम, विभिन्न प्रकार के लेवल के आधार पर उसे क्रियान्वित करने में एक अहम भूमिका रही है। तो इस प्रकार मांग की लोच को प्रभावित करने में मांग की तीव्रता का योगदान सुगम रहा है। तो इस प्रकार से मांग की तीव्रता भी एक समय। अगला है समय प्रभाव। समय प्रभाव भी एक अहम भूमिका का निर्वहन किया है। टाइम फैक्टर के आधार पे किस प्रकार से हम मांग की लोच को, क्योंकि टाइम अवधि किस प्रकार से किया जाए, कि टाइम फैक्टर मांग की लोच को प्रभावित करता है, समय मांग की लोच को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि विभिन्न प्रकार के मौसम के आधार पे किसी वस्तु का वह क्रय करता है उपभोक्ता, और उसी के आधार पे वस्तु की मांग क्रिएट होती है। तो टाइम फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है। एक वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना आठवां घटक है। वस्तु के प्रयोग की स्थगन की संभावना, वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना भी एक मांग के फैक्टर को अहम तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं कि किस प्रकार से वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से वस्तु के स्थगन की संभावना भी मांग तत्व को प्रभावित करती है। दसवां बिंदु है नोया है सरकारी नीति। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी मांग के लोच को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार की किसी वस्तु की बाजार में अत्यधिक डिमांड है, जैसे शराब सरकार अगर इस पर बैन लगाते तो उसकी मांग कम होने से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सरकार विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध जब लगा देती है, उस वस्तु को बेचने में पाबंद कर देती है, तो मांग की मूल्य लोच भी प्रभावित होती है। किस प्रकार से, क्योंकि सरकार के विभिन्न टर्म्स कंडीशंस एवं रूल रेगुलेशन अलग अलग हैं, तो सरकार की पॉलिसी भी एक मांग के फैक्टर को अहम भूमिका का निर्वहन करती है। एक संयुक्त मांग, संयुक्त मांग भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। किस प्रकार से, जब दो वस्तुएं एक साथ प्रयोग में आती हैं, जैसे पेन है तो उसके साथ हमें स्याही की ज़रूरत होती है, अगर कार है तो कार में पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, तो संयुक्त मांग होने पर भी मांग की लोच प्रभावित करती है, क्योंकि हमें किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो संयुक्त मांग में अगर पेन लेके आ गए तो उसमें स्याही की आवश्यकता है,
कार अगर ले आए तो कार बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के नहीं चल पाती है, तो ये संयुक्त मांग क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार संयुक्त मांग भी मांग के लोच को प्रभावित करने में अहम भूमिका रही है। एक समाज में धन का वितरण, समाज में धन का वितरण भी मांग के लोच को अहम तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज में धन का वितरण भी एक सहज तरीके से भूमिका का निर्वहन है कि किस प्रकार से इस समाज में धन का वितरण किया जाए, किस प्रकार से समाज में धन का सही तरीके, क्योंकि अगर समाज में धन का वितरण सही तरीके से नहीं हो पाता है तो वह उपभोक्ता मांग फैक्टर को अहम तरीके से प्रभावित भी हो पाती है। एक मूल्य स्तर, 11वीं बिंदु की हम बात करें, प्राइस लेवल भी मांग के तत्व को प्रभावित करने में या मांग की लोच को प्रभावित, किस प्रकार से अगर किसी वस्तु का मूल्य मार्केट में बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी कम मांगी जाती है, अगर किसी वस्तु का मूल्य मार्केट में कम होता है तो उसकी अधिक क्वांटिटी मांगी जाती है। तो मूल्य लेवल भी एक मांग की लोच को प्रभावित करने में अहम भूमिका रही है, क्योंकि मूल्य स्तर में प्राइस और क्वांटिटी में विपरीत संबंध होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से प्राइस और क्वांटिटी में मूल्य लेवल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्राइस का निर्धारण भी मार्केट में सही नियमानुसार किया जाता है। एक वस्तु का टिकाऊपन भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। वस्तु का टिकाऊपन, अगर कोई वस्तु सुगम एवं अच्छी वस्तु है तो वह अत्यधिक टिकने पर भी एक सहज तरीके से भूमिका का निर्वहन करती हैं, क्योंकि टिकाऊपन वस्तु का की मांग प्रभावित होती है। अगर मार्केट में कोई टिकाऊपन वस्तुएं हैं तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मार्केट में टिकाऊपन वस्तुओं की भी एक अहम तरीके से भूमिका का निर्वहन होता है। और भी मांग की लोच को प्रभावित करने वाले अनेक फैक्टर हैं जो कि एक अन्य फैक्टरों में सम्मिलित है। तो हमने आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक या मांग की लोच को मापने की विधियाँ कौन सी हैं। तो हम इस प्रकार से अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मांग पूर्वानुमान क्या है, मांग पूर्वानुमान को मापने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से मांग पूर्वानुमान को किया जा सकता है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं और डिमांड फोरकास्टिंग, डिफाइंड डिमांड फोरकास्टिंग और मांग पूर्वानुमान की विधियां कौन कौन सी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आज इस वीडियो में चर्चा की कि मांग का नियम क्या था, मांग के नियम की व्याख्या अपवाद और मांग के नियम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से थे और मांग की लोच क्या थी, मांग की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, मांग की श्रेणियां और मांग की प्रकार अलग अलग अंतर हैं, क्योंकि मांग की श्रेणियां को हम 5 भागों में बांटा गया है जबकि प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, आय मांग, मूल्य मांग और स्थानापन, आय मांग, मूल्य मांग और स्थानापन मांग को सम्मिलित किया गया है। तो 3 प्रकार की मांग होती हैं और मांग की श्रेणियां 5 प्रकार की होती हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न यही आता है कि मांग की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, मांग की मूल्य लोच को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए या मांग की मूल्य लोच को मापने की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं। अगला प्रश्न ये पूछ देते हैं कई बार कि मांग की मूल्य लोच को मापने के घटक या मांग के मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, इनकी हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मांग
पूर्वानुमान किसे कहते हैं कि भविष्य में घटित होने वाली मांग का वर्तमान में ही अनुमान लगा लेना, जिसके मार्केट के वर्तमान परिवेश के आधार पर उसको क्रियान्वित कर देना, वह मांग पूर्वानुमान उसके विभिन्न विशेषज्ञों की राय के आधार पर विभिन्न क्रियान्वयन के आधार पर हम चर्चा करेंगे मांग पूर्वानुमान के बारे में। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।